और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में मास्टरमाइंड निकला है नीतीश कुमार। बीपीएससी पेपर लीक मामले में कुछ दिन पहले ही जा चुका है जेल और एक बार फिर से मास्टरमाइंड निकला है। नीतीश को आर्थिक अपराध इकाई ने जेल भेज दिया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में 6 लोगों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है, 7 लोगों को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो बड़ा अपडेट है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो ये है कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में नीतीश कुमार मास्टरमाइंड निकला है। आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जेल भी जा चुका है। नीतीश को आर्थिक अपराध इकाई ने जेल भेजा था और एक बार फिर से अब नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये आपको बता दें कि 6 लोगों को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया, वहीं 7 लोगों को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। पुलिस की जांच जारी है, तमाम बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जिस तरीके से कई राज्यों में नीट प्रश्न पत्र को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई, और अब बड़ा अपडेट ये आया है कि इसका मास्टर माइंड नीतीश कुमार नाम का शख्स निकला है, जो कुछ दिन पहले बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने इसे जेल भेजा था और एक बार फिर से ये नीट प्रश्न पत्र लीक का मास्टर माइंड बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? एक बार फिर से वही शख्स नीतीश कुमार, जिसे ईओयू ने जेल भेजा था बीपीएससी पेपर लीक मामले में, अब नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मास्टरमाइंड नीतीश कुमार नाम का शख्स निकला और ये पहली बार इस तरह के इस पे आरोप नहीं लगे, बल्कि ईओयू ने इसे कुछ दिन पहले जेल भेजा था। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने नीतीश कुमार को जेल भेजा था और एक बार फिर से अब नीट प्रश्न पत्र लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश। प्रकाश, ये बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, ये बार बार इस शख्स का नाम आ रहा है, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने जेल भेजा और अब नीट प्रश्न पत्र लीक में इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए राहुल, 5 तारीख को जो आयोजित नीट परीक्षा जो आयोजित किया गया था, उसको उसमें जो मास्टरमाइंड जो निकला है, वो बीपीएससी परीक्षा 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले का जो आरोपी रह चुका है, जिसे कि आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा जो है बीते दिनों जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हाल के दिनों में ही ये फिर से जेल से छूटकर आया था और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में ये मास्टरमाइंड निकला है नीतीश कुमार, जिसे कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ जो है कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। और उसके बाद जो है पूरे टीमों के पास से जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तमाम तरह के कागजात जो कि जले हुए मिले थे, जिसकी पुलिस द्वारा जो है पूरी तरीके से जांच की जा रही है। अभी जो ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, वो मामला जो है पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जी राहुल, लेकिन प्रकाश, सवाल यही उठता है कि एक ही शख्स बार बार उसका नाम आ रहा है, क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही? आप बता रहे हैं कि वो जेल गया था, जेल से छूट कर आया और अब देखिए नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में मास्टरमाइंड बन गया है। देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही आदमी जो है उसका बार बार नाम आ है और खुद जो है वो मास्टर माइंड निकला है, जिसको लेकर पुलिस और तमाम तरह की जानकारियां जो है जुटा रही है और जांच करने में जुटी हुई है। जी राहुल, यानी कि प्रकाश, इनको पता है कि कुछ होना जाना है नहीं, कुछ दिन के लिए जेल जाते हैं, फिर जेल से निकल कर आते हैं, यानी एक पूरा गैंग है, साठगांठ है, बड़े स्तर पे होगी तभी ये दोबारा ऐसे रिस्क लेते हैं और बार बार इस तरीके के वारदात में शामिल होते हैं। जी राहुल, जो आपने बताया कि तमाम जो लोगों का जो है ये एक बड़ा परगना जो है वो तमाम शहरों में रह कर अपना एक एक जो है ठिकाना बनाए हुए हैं और इस तरह की बड़ी पेपर लीक कांड से जुड़े होते हैं और जिसको लेकर जो पुलिस जो है कार्रवाई भी करती है, बावजूद जो है इस तरह के गिरोह एक्टिव होते हैं और पेपर लीक मामले में वो सम्मिलित पाए जाते हैं। जी चलिए ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।